आप देख रहे हैं आरभट न्यूज छोड़ कैमूर से है। एक तरफ बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, वहीं कैमूर जिले में शराब तस्करों के द्वारा खुलेआम शराब की तस्करी हो रही है। ताजा मामला कैमूर जिले के रामगढ़ थाना से आ रही है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर 51 पेटी शराब के साथ दो तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है एवं एक ब्रिजा कार को भी जब्त कर लिया है। आपको बताते चले कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से दो शराब तस्कर बिहार में शराब लेकर देवलिया के रास्ते प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम को गठित कर तस्करों के आने के इंतजार में जुट गए। वहीं शराब तस्कर जैसे ही बिहार में प्रवेश किया, जहां पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसका पुलिस ने पीछा करते हुए शराब तस्कर को बिजली ऑफिस के पास से गिरफ्तार कर लिया, साथ ही 51 पेटी शराब एवं कार को भी जब्त कर लिया है। कि हमको गुप्त सूचना कुछ मिले था कि दारू के कारोबारी जो है सो उत्तर प्रदेश के दिशा से देवलिया होते हुए आ रहा है, ब्रेजा गाड़ी है, नंबर नंबर सब हमको मिल गया था। इसको हम लोग आगे जा करके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से हम लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अपना रोड में हमारा देवलिया रोड में घुसा है, तैसे ही इसका पीछा करते हम लोग आए। आते आते जो है सो जब रामगढ़ जैसे ही पहुंचते हैं, रामगढ़ पहुंचने वाले हैं मुसहरी के पास, तो हम इसको साइड हमको नहीं दे रहा था, तो बाजार में जो है सो जैसे मुसहरी के अंदर जब आए तो ट्रक आगे आगे जा रहा था, तो ट्रक जो है सो रुका, तो उसके बाद जो है हम आगे से इसको घेरे। घेरने के बाद जो है सो वो मस्जिद के आसपास, मस्जिद के जरा से आगे जब जानवर धूल बांधे हुए है जो वही बाजार में आकर के इसको हम गाड़ी को पकड़। सर कितने पेटी शराब बरामद? पेटी है 1 PM का ट्रेटा पैक जो है जी। वो 50 पेटी है जी। सर इसके साथ में कोई आरोपी भी गिरफ्तार है? हाँ, दो आरोपित हैं उसमें, गाड़ी एक चला रहे थे एक बैठे हुए थे। उनके पास और कुछ सामान बरामद? उनके पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है, लगभग कुछ पैसा और एक पर्स है, कुछ पैसा है अभी गिने नहीं है। गाड़ी भी जब्त कर ली गई है? अब गाड़ी उसका जब्त है, गाड़ी भी पकड़ा गया, ब्रेजा गाड़ी है, पटना नंबर की गाड़ी है, पटना से मैंने नंबर का गाड़ी है ब्रेजा। थैंक यू।